हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती है उसको लिस्ट डाउन किया था और हर एक का एक प्रॉपर डिफिनीशन देखा था, उसका टेक्निकल डिफिनीशन देखा था कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ओके, जो कि हमारे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कुछ डेफिनेशंस लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आपको डेफिनेशन लिखने के ओके एक या दो मार्क्स का हो, कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से आपको ये पूरा लिखना है। सो इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सब जो डेफिनेशंस हम कवर कर रहे हैं दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ओके, सो आपको उनको अच्छे से समझना है और समझ को उनको उसको आपको पेपर में एक प्रॉपर लैंग्वेज और टेक्निकल लैंग्वेज उसको बोल सकते उस टेक्निकल लैंग्वेज में हम आपको उसको लिखना है। सो देन यू विल गेट अ बेटर मार्क्स। ओके, तो हम अभी देखते हैं कि जो कुछ इम्पोर्टेंस डेफिनेशन हमारी बची हुई आगे। ओके, तो उन डेफिनेशंस में हम अभी एक पहली डेफिनेशन देखते हैं, टफनेस। ओके, टफनेस, ओके, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लो। ओके, मतलब क्या, अगर हम किसी चीज़ को हैमर से उसको प्रेशर करें, मतलब हम इम्पैक्ट लोड दे रहे हैं। इम्पैक्ट लोड का हम एक सिंपल मीनिंग उसको बोल सकते कि हम एकदम जो बोलते हैं ना अचानक से हम उसको बोल सकते जैसे कोई टायर फटता है, दैट्स इम्पैक्ट। ओके, कोई हैमर हम उसको कोई हथौड़ी मारते हैं, दैट्स इम्पैक्ट लोड। इन शॉर्ट हथौड़ी मारना है, दैट्स वन ऑफ द बेसिक इम्पैक्ट लोड। ओके, तो जो ऐसे इम्पैक्ट लोड होते हैं उनको रेजिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, क्या ऐसे जो इम्पैक्ट लोड होते, इम्पैक्ट मतलब हम उसको बोलते हैं सडन, या उसको हम हिंदी में या मराठी में उसको बोल सकते अचानक। ओके, अचानक जो आता है। ओके, सो इम्पैक्ट लोड इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड। ओके, मतलब क्या, जो इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की उसको बोलते हैं टफनेस। गॉट इट, क्या इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जो रेजिस्ट कर पाता है, जो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट लोड रेजिस्ट करता है उसका उतना ज़्यादा टफनेस होता है। गॉट इट, तो उसी को बोलते हैं हम टफनेस। ओके, दैट्स एक सिंपल डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा आपको कोई पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में क्या है, कि सिर्फ डेफिनेशन लिखना है आपको। सो अभी नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हार्डनेस का। ओके, सो हार्डनेस आपको पूरा जो मटेरियल साइंस है, मैं नॉट इन द व्यू ऑफ मशीन डिज़ाइन, मैं मटेरियल साइंस की व्यू में बात कर रहा हूँ। मटेरियल साइंस की व्यू में हार्डनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, आपको पता होना चाहिए, आपने देखा होगा कि हार्डनेस कैलकुलेट करने विकर हार्डनेस टेस्ट यूज़ किया जाता है, ब्रिनियन हार्डनेस टेस्ट यूज़ किया जाता है, ऐसे नंबर ऑफ मेयर्स हार्डनेस टेस्ट यूज़ किया जाता है, मेयर्स एंड म्यूल्स। ओके, सो ऐसे नंबर ऑफ हार्डनेस टेस्ट जो आपको पता होना चाहिए, आपने वो पढ़े भी होंगे जो अपना मटेरियल साइंस नाम का जो सब्जेक्ट होगा, मटेरियल टेक्नोलॉजी या साइंस करके जो सब्जेक्ट है, सो ऑलरेडी उसमें आपने पढ़े होंगे। ओके, सो जो उसका जो टेक्निकल व्यू से हम अगर डेफिनेशन देंगे हार्डनेस का, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल्स इट टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन एब्रेजन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड हार्डनेस। ओके, तो आपको इसमें एक देखना है, रेजिस्ट द पेनिट्रेशन मतलब। ओके, सी अगर एक मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक लोहे का बॉल है, बराबर, एक या लोहे की बॉल है और उसको हम किसी सरफेस पे उसको हम प्रेस कर रहे हैं, बराबर। तो जब ये प्रेस हो जाएगा इधर, तो इस ये जो प्लेट रहेगा तो उसके थोड़ा ऐसा कुछ आएगा, बराबर, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ये जो बना हुआ है ना ये वाला, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, या इसको बोलते हैं हम पेनिट्रेशन। क्या, इंडेंटेशन या पेनिट्रेशन, गॉट इट। ओके, सो
ये जो इंडेंटेशन होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतना वो मेटल उसकी हार्डनेस कम होती है। ओके मतलब क्या, जितना इंडेंटेशन ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा ऐसा हो जाएगा उतना इंडेंटेशन मतलब उतना हार्डनेस कम होती है, और वो जो मटेरियल इससे ज़्यादा रिजिस्ट करेगा मतलब ये ज़्यादा होने नहीं देगा, इससे कम होगा या कुछ होगा ही नहीं, वो ज़्यादा हार्डनेस वाला होता है। मतलब क्या, पेनिट्रेशन अगर कोई मटेरियल होने नहीं दे रहा है, कि क्या कोई मटेरियल अगर पेनिट्रेशन होने नहीं दे रहा है तो हम उसको बोल सकते कि भाई उसका जो रेजिस्टेंस है, क्या उसका जो रेजिस्टेंस है वो पेनिट्रेशन को ज़्यादा है, तो उसको हम बोल सकते कि उसका हार्डनेस ज़्यादा है। देखो आपको एक हार्डनेस नाम से ही पता चल जाएगा, जो हार्ड है। ओके जो हार्ड है मतलब उसको ज़्यादा कोई तोड़ या मरोड़ नहीं सकता, उसमें ज़्यादा कोई डिफॉर्मेशन या उसका शेप नहीं चेंज कर सकता। दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस। ओके आपको ये ध्यान में रखना है। ओके तो टेक्निकली यही है, इसका भी पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। जो सबसे कम पेनिट्रेशन होगा वो मटेरियल ज़्यादा हार्डनेस वाला होगा, जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा वो सबसे कम हार्डनेस वाला मटेरियल होगा। एंड दिस इज़ एक टेक्निकल, इसका हम लैंग्वेज में उसको बोल सकते हैं। ओके सो उसका आगे का एक और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है क्रीप करके। क्या एक डेफिनेशन है क्या करके, क्रीप करके। ओके क्रीप में क्या होता है, विभिन्न मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर। व्हाट व्हाट, कांस्टेंट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल अंडरगो स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्रीप। ओके क्या सी क्या होता है इसमें, सी मैं आपको एक उसका जो है एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर किसी कंपोनेंट पे एक कांस्टेंट स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक वैल्यू उसकी कांस्टेंट है, मतलब अगर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर लग रहा है तो उतना ही लगता रहेगा कुछ टाइम के लिए, मतलब कांस्टेंट, या कम भी नहीं होगा वैल्यू और ज़्यादा भी नहीं होगा। बट वो जो कांस्टेंट स्ट्रेस है अगर अप्लाई हो रहा है हाई टेम्परेचर पे, गॉट इट, क्या अगर कंपोनेंट ऑलरेडी हाई टेम्परेचर में है और उसमें अगर कांस्टेंट स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो उसका डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। डिफॉर्मेशन मतलब क्या, शेप चेंज होना, साइज चेंज होना। क्या डिफॉर्मेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, शेप चेंज होना, साइज चेंज होना। तो वो जो डिफॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूस होता है, स्लो एंड प्रोग्रेसिव होता है, मतलब वो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पूरा डिफॉर्म हो जाएगा कंपोनेंट आपका। गॉट इट, तो ये जो सब फेनोमिनॉन है उसको बोलते हैं क्रीप। क्या उसको क्या बोलते हैं, क्रीप, स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन एट हाई टेम्परेचर एट कांस्टेंट स्ट्रेस। क्या कांस्टेंट स्ट्रेस कंडीशन क्या रहेगी क्रिप के लिए, एक तो कांस्टेंट स्ट्रेस होना चाहिए, दूसरा हाई टेम्परेचर होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब छोटे एक शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए, वो पूरा लॉन्ग पीरियड का प्रोसेस है। ओके सो इस लॉन्ग पीरियड के लिए अगर होता है तो उसका जो पूरा जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है क्रीप। गॉट इट, बस इतना ही है उसमें। तो आगे कुछ हम देखेंगे भाई बेसिक लोड्स क्या होते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके तो इसमें पहला ये आपको ये लोड्स का कभी डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये उनका बेसिक पता होना चाहिए इसलिए ले रहे हैं हम लोग। ओके एक होता है स्टेडी लोड, इट इज़ द टाइप ऑफ लोड विच इज डू नॉट चेंज इट्स इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन विथ अप्लाइड लोड। ओके देखो स्टेडी लोड मतलब क्या, स्टेडी होता है मतलब उसके वैल्यू नहीं चेंज होता है, कॉन्स्टेंट होता है, एक सिंपल डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ओके तो डोंट बी ज़्यादा उसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं। नेक्स्ट होता है फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल लोड। ओके फ्लक्चुएटिंग से नाम से ही पता चलता है मतलब कम ज़्यादा होएगा। ओके फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल मतलब क्या, मतलब लोड कांस्टेंट नहीं होता है, वो कम ज़्यादा होता है। ओके देन नेक्स्ट आता है हमारा सडनली अप्लाइड और शॉक लोड, इट इज़ अ मतलब क्या, सडनली अप्लाइड और शॉक लोड, उसका दूसरा नाम क्या होता है भाई, इम्पैक्ट लोड। ओके मतलब इम्पैक्ट लोड का ही टाइप होता है। ओके सडनली अप्लाइड मतलब क्या होता है कि एक सडन होता है। ओके इम्पैक्ट लोड थोड़ा उसका अलग कंसेप्ट है। सडनली अप्लाइड शॉक लोड क्या होता है कि भाई एकदम अचानक से प्रेशर आ जाता है, अचानक से उस पर लोड अप्लाई हो जाता है। दैट्स तो दैट्स
सडनली अपलाइड और शॉक लोड, मतलब क्या भाई, अचानक से जो लोड अप्लाई होता है उसके, और उसका ही आगे का एक सब टॉपिक हम उसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस जो होता है, जो अगर कोई मास, अगर कोई समझ लो कोई हेवी चीज़ कोई ऊपर से गिर रही है, जो शॉक बैठता है उसको बोल सकते हैं इम्पैक्ट लोड। ओके, अगर आप कोई सेकंड फ्लोर पे खड़े हो आपकी बिल्डिंग पे, और आपने कोई अगर वेट गिरा दिया, जो नीचे जो बॉडी रहेगी उसको इम्पैक्ट आएगा। ओके, आज हमने तो इम्पैक्ट लोड, तो सडनली अप्लाई लोड, शॉक लोड, इम्पैक्ट लोड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इम्पैक्ट लोड में सिर्फ ये उन्होंने एक स्पेसिफाई किया कि भाई फॉलिंग मास होना चाहिए। फॉलिंग मास मतलब क्या, कि ऊपर से हम उसको फेंक रहे, गुड इट, क्या ऊपर से हम उसको फेंक रहे, दैट्स इम्पैक्ट लोड। ओके, और यहाँ से हम बोल सकते कि भाई जो कंसेप्ट है हमारा, जो रियल कंसेप्ट है सब्जेक्ट का, वो चालू हो रहा है। ओके, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है स्ट्रेस। ये डेफिनेशन आपने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम का जो सब्जेक्ट है आपने पढ़ा होगा उसमें, फिर भी हम उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या होता है। तो इवन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी और कंपोनेंट, सम इंटरनल फोर्सेज आर सेटअप इन द बॉडी टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेज इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे हम अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या, अगर ये बॉडी है इसको अगर फोर्स अप्लाई कर रहे तो ये बॉडी भी रेजिस्ट करेगी ना, तो ये ऐसा अपोजिट फोर्स लगाएगी, बराबर। तो ये जो अपोजिट फोर्स जो सेटअप होता है, ओके, ये जो पूरा जो अपोजिट फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है, स्ट्रेस मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, गॉट इट, क्या फोर्स कौन सा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। ओके, ये जो फोर्स इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, मैंने पहले ही बता दिया आपको, गॉट इट। एंड स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या होता है, Whenever a force is acted on a body or a component, it undergoes a deformation per unit length. It is called strain. Okay, मतलब क्या होता है, एक ध्यान में रखिए, अगर किसी बॉडी पे हम अगर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, बराबर, तो उसका शेप चेंज होगा। लेट मी एक्सप्लेन। ओके, सी क्या होता है, अगर समझ लो ये वाला रॉड है हमारा, अगर हम उसको ऐसा प्रेशर लगा रहे हैं, गॉट इट, ऐसा प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, पहले हम उसका कंसीडर कर लेते हैं लेंथ एल। ओके, क्या होगा, ऐसा प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, वो जो रॉड है वो इलॉन्गेट हो जाएगा, मतलब लॉन्ग हो जाएगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा, गुड, ठीक है। ऐसा इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या होता है कि भाई जो अपना रॉड होता है उसका लेंथ बढ़ जाता है, बराबर ना, बाहर से दिख रहा है मतलब लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ जो बढ़ता है, ओके, जो कितना बढ़ता है, वो डीएल बढ़ता है, मतलब छोटा सा बढ़ता है, ज़्यादा इतना ऐसा एक दो किलोमीटर ऐसा नहीं बढ़ता है, वो छोटा सा एमएम में, एमएम से भी कम इसमें बढ़ता है वो, इसलिए वो उस छोटी क्वांटिटी को हम लिखते हैं डीएल। ओके, सो स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, आपका सिंपल लैंग्वेज में, स्ट्रेन इज अ चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ हमारा डीएल है, ओरिजिन लेंथ हमारा एल है, मैंने पहले बता दिया था। ओके, सो स्ट्रेन इज इक्वल टू डीएल अपन एल, और हम ऐसा इसको मोर स्पेसिफिकली या सब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐसे बोल सकते कि भाई चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, सबसे बेस्ट। ओके, सो हमारा अभी नेक्स्ट आएगा ये टाइप ऑफ स्ट्रेस, क्या टाइप ऑफ स्ट्रेस, इसमें क्या आएगा, ध्यान में रखिए क्या आएगा इसमें, टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल मतलब कि मैंने पहले बताया, देखो एक हमने डायग्राम लिए, ये बाहर पुल कर रहा है, उसको बाहर पुश पुल कर रहे हैं, बराबर, मतलब ऐसा खींच रहा है। ओके, एक्सियल फोर्स है और खींच रहा है, जो बॉडी से बाहर की तरफ लगता है, क्या जो बॉडी के बाहर की तरफ लगता है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। ये देखो बाहर लग रहा है ना, ये बॉडी से, ये वाली बॉडी है इससे बाहर लग रहा है, उसको बोलते हैं हम टेंसाइल फोर्स। ओके, टेंसाइल फोर्स की वजह से जो लेंथ होता है वो बढ़ जाता है, गॉट इट, दिस इज द पुल इन नेचर, पुल कर रहे हैं ना उसका, अगर हम दरवाज़ा खींचते तो ऐसे खींचते हैं ना दरवाजे को, उसको पुल बोलते हैं, दैट्स अ पुल इन नेचर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कंप्रेसिव फोर्स, क्या कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स में क्या आएगा, ये जो बॉडी को देखो कंप्रेस कर रहा है, बराबर, मतलब इसका क्या हो गया, अभी लेंथ छोटा हो जाएगा बॉडी का। ओके, इसको बोलते हैं हम पुश फोर्स,
बराबर है ना, किसी बॉडी को अगर पुश कर रहे हो आप तो क्या होगा, वो छोटा ही होएगा ना, तो वही सेम आएगा। कंप्रेसिव मतलब क्या, किसी बॉडी को हम पुश कर रहे मतलब यहाँ इसमें उसका लेंथ कम हो जाएगा, और टेंसाइल में क्या होता था कि पुल होने की वजह से उसका लेंथ बढ़ जाता था, गॉट इट, उसका लेंथ बढ़ जाता था। ओके, देन नेक्स्ट आएगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, क्या बेंडिंग स्ट्रेस? ओके, बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होता है, सी अभी बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होता है कि भाई किसी रॉड को हम अगर बेंड कर रहे हैं, क्या बेंड, बेंड ठीक नाम से ही पता चलता है आपको, बेंडिंग के क्या बेंडिंग। ओके, अगर बेंड कर रहे हैं उसको जो फोर्स लगता है, क्या उसको जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं बेंडिंग फोर्स या बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस, इसका जो सिंपल सा फार्मूला है एम अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन आर इज इक्वल टू ई अपॉन आर। देखिए ये जो फार्मूले आपके लिए सबके लिए नए हैं, इनका एक अलग से चैप्टर आ गया, क्या अलग से आगे आपको चैप्टर ही पूरा इसमें पूरा एक्सप्लेन होगा, सिर्फ अभी आप ये ध्यान में रखिए फार्मूला क्या है। उसमें एम में उसको बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, आई जो बोलते हैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ओके अबाउट न्यूट्रल एक्सीलरेशन, सिग्मा भी बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं, और ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। आपको अभी ध्यान में नहीं रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं लेने का है। ओके, आगे जो इसका पूरा चैप्टर है एक, उस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे क्या है वही फोर्स, कैसे लगते हैं, कैसे अप्लाई होता है। ओके, लेकिन ये जो फोर्स है ये बेसिक फोर्स है, इसके अलावा आगे भी कुछ होते हैं हमारे टॉर्शन फोर्स करके होते हैं। ओके, टॉर्क वगैरह होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी एक सिर्फ आप देख, आप इस कंडीशन में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि भाई टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, टेंसाइल मतलब क्या, पुल करता है। ओके, एंड देन कंप्रेसिव मतलब क्या, पुश करता है। ओके, इतना ही ध्यान में रखना है। तो आगे का जो कुछ होगा हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय।